हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की ओर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध कर रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है और किसी भी तीसरे देश को इस मामले में दखल न देने की हिदायत दी है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज बड़े ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक शाम 5 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री राहत पैकेज को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है। इसमें खासकर ऑटो और रियल्टी सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए ऐलान किया जा सकता है। CNBC आवाज़ के सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक देश के 4 बड़े सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। खासकर फाइनेंशियल सेक्टर, MSME, रियल इस्टेट, बैंक और NBFC को लेकर ऐलान होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। इस्लामाबाद ने 450 पन्नों का दस्तावेज पेश किया जिसमें सरकार द्वारा मौजूदा कानूनों में किए गए सभी बदलाव और पिछले 1.5 साल के आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। दुनिया भर के सामने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में 4 दिनों से तेजी का सिलसिला जारी है और अगर यह तेजी आगे भी जारी रही तो पेट्रोल और डीजल के भाव आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के पहले पखवाड़े में नरमी रहने से पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, मगर हालिया तेजी के बाद उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम में अब और राहत मिलने की उम्मीद कम हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम शुक्रवार को 71 रुपये 84 पैसे